Okay, right. Yeah, I welcome all my online students for this seventh day, second session, free online guidance class for TET aspirants from many districts and from many other states of our, you know, अड़ोस पड़ोस के स्टेट से भी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा के भी थोड़े स्टूडेंट्स मेरे साथ में फॉलोअप में हैं, बोल रहे हो लोग, अच्छा ही समझ में आ रहा था, नो प्रॉब्लम, क्योंकि पर्टिकुलरली ये उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए तो मैं समझता हूँ बहुत कम टीचर्स हैं जो ऐसी खिदमत दे रहे हैं, उसमें से मैं भी एक हूँ शायद. एनी वे, आई वेलकम वंस अगेन टू दिस सेवंथ डे सेकेंड सेशन प्रोग्राम वेयर वी आर डिस्कसिंग ये डेवलपमेंट, ग्रोथ और साथ ही साथ मैच्योरिटी की बात हो रही थी. तो मैं आपको आगे लेके यहाँ पर सेम टॉपिक के पास फिर एक बार आता हूँ. हम अब तक क्या क्या देखे, ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, दो चीजें देखे. आप यहाँ ग्रोथ की फोटो देख सकते हैं. ग्रोथ के माने जनरली तरक्की की है, डेवलपमेंट का दायरा बहुत बड़ा है. ये पेडागॉजी डेवलपमेंट चाइल्ड क्या है ये भी देख चुके हैं हम. जाइगोट से लेके बेबी तक का ये जो कॉन्सेप्ट है, फिर एक बार इसको मैं हेरिडिटी में रिपीट करने वाला हूँ डिटेल में. और उसके बाद हम देखे ग्रोथ क्या है, बालिदगी क्या है देखे, और इसका डायरेक्ट ताल्लुक क्या बोलते हैं डेवलपमेंट से, फिर डेवलपमेंट का ताल्लुक इन दोनों का मेच्योरिटी से. आप एक बात बताइए मेरे को, आप अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरी जूम ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन हुए, क्या आप किसी की हेल्प लिए जूम ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन होते वक्त? Did you take anybody no. help? No. Right. Very good. कल आपको टेट में क्वेश्चन आता, आपकी लड़की को जूम ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन होने के लिए आपकी मदद की जरूरत है, वो बच्ची जूम ऑपरेट क्यों नहीं कर सकती, बल्कि पूछ सकता, तो बच्ची के पास उतनी मेच्योरिटी नहीं है तो जूम को समझ के उसको ऑपरेट कर सके, ठीक है ना, डिपेंड अपॉन एज एंड एक्सपीरियंस, और उसके पास वो लर्निंग भी नहीं है, एक दो तीन बार देख ली तो बच्ची खुद ब खुद जूम ऑपरेट करना शुरू कर दी. तो सीखना क्या है बोलता, रवैये में तब्दीली है, तो सीखने के लिए मेच्योरिटी की भी जरूरत है. ये कोई बात कर रहे हैं, थोड़ा सा म्यूट कर लो, एक एक मिनट एक एक सेकंड हमारे पास बहुत जरूरी है. तो यहाँ पर देखिए, डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ बताने से पहले, मेच्योरिटी तो तकरीबन आपको समझा दिया, तकरीबन चीजें समझा दिया मैं. मेच्योरिटी ऑल्सो एज डेवलपमेंट इज रिलेटेड विद मेंटल, मॉरल, इमोशनल एंड एज डेवलपमेंट मेच्योरिटी ऑल्सो वाइडर कॉन्सेप्ट. मेच्योरिटी भी इसका दायरा बहुत बड़ा है. मेच्योरिटी के अंदर क्या बोलते हैं डेवलपमेंट जैसा ही है, उसके अंदर ग्रोथ आता. डेवलपमेंट वी कैन नॉट मेजर मेच्योरिटी परफेक्टली, जैसा हम डेवलपमेंट का वो नहीं कर सकते, पैमाइश नहीं कर सकते, मेच्योरिटी की भी हम पैमाइश नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है करना इसको. बट वी कैन असेस विद कीन ऑब्जर्वेशन, हम उसका मुशाहदे के साथ अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके पास पुख्तगी कितनी है, क्या है. मिसाल के तौर पर सोशल मेच्योरिटी, मॉरल मेच्योरिटी, मेंटल मेच्योरिटी, फिजिकल मेच्योरिटी, बहुत सारे मेच्योरिटी साथ हमारे पास, जैसा डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है मेच्योरिटी का भी वैसा ही कॉन्सेप्ट है. ओके, इज मेच्योरिटी क्वालिटेटिव चेंज और क्वांटिटेटिव चेंज? क्वालिटेटिव. ये क्वालिटेटिव है, तो ग्रोथ क्वालिटेटिव है या डेवलपमेंट क्वालिटेटिव है हमारे पास? डेवलपमेंट क्वालिटेटिव है, मेच्योरिटी क्वालिटेटिव है, तो डेवलपमेंट जैसा ही ये मेच्योरिटी है. समझ में आ रहा है, इसका दायरा बहुत बड़ा है. जैसा डेवलपमेंट के दायरे के अंदर छोटा दायरा था, उसका नाम हम क्या रखे थे, ग्रोथ रखे थे. यहाँ पर भी क्या है बोलते, मेच्योरिटी का वो क्या है, ज्यादा है, बहुत बड़ा है, ठीक है ना. सो मेच्योरिटी ऑल्सो क्वालिटेटिव लाइक डेवलपमेंट. मेच्योरिटी रेफर्स, इंपॉर्टेंट है देखो, मेच्योरिटी रेफर्स विथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंजेस. इंटरनल और एक्सटर्नल दो भी चेंजेस होते हैं यहाँ मेच्योरिटी के माने, मेंटल और फिजिकल दो भी है. एंड इट इज डिपेंड्स अपॉन एज फैक्टर. मेच्योरिटी इज प्योरली डिपेंड अपॉन एज फैक्टर विथ रिलेटेड टू व्हाट यू कॉल नेचुरल चेंजेस. मेच्योरिटी चेंजेस ड्यू टू जेनेटिकल चेंजेस. मेच्योरिटी का डायरेक्ट ताल्लुक है आपके जीन से. मेच्योरिटी का डायरेक्ट ताल्लुक है हेरिडिटी से. मेच्योरिटी का डायरेक्ट ताल्लुक है आपके तवारुस से. वो जो बीज होता, वो जो सीड होता, हम जो लगाते जमीन में, वो जो बीज है वो हेरिडिटी है. वो बीज के जरिए जो झाड़ बड़ा होता या तो वो बीज जहां पर जो जमीन में आप लगा रहे हो, जमीन क्या है बोलते, तो एनवायरमेंट है. सीड इज हेरिडिटी एंड द सॉइल इज एनवायरमेंट. हेरिडिटी एनवायरमेंट बोथ प्रोड्यूस समथिंग, दैट इज झाड़ हो सकता, फिर वो झाड़ के क्या होते, फल होते, फूल होते, ठीक है ना. वो हमारा स्टूडेंट है और वो झाड़, झाड़ हमारा स्टूडेंट है. वो झाड़ को लगने वाले फूल, पौधे, पत्ते, फ्लावर्स जो भी है, सारे क्या है बताओ,
वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, सेक्सुअल, लिंग्विस्टिक, सारे डेवलपमेंट्स। समझ गए? सीड क्या है? सीड हेरिडिटी है। जमीन क्या है? जमीन खेत क्या? अपना खेत। खेत क्या है? एनवायरमेंट। खेत एनवायरमेंट है। बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जबरदस्त। जो झाड़ हमारा, पौधा जो बड़ा और यानी बच्चा जो डेवलप हो रहा, हाँ, बच्चे को डेवलप करने के लिए दो चीजों की जरूरत है। एक हेरिडिटी यानी यहाँ पर स्पर्म और एग्स, और यहाँ पर एनवायरमेंट यानी घर का माहौल, जमीन, और जो बड़ा हो रहा बच्चा तो उसका डेवलपमेंट और ग्रोथ और मेच्योरिटी दो भी हो रहे हैं, उसके जो फ्रूट्स लग रहे हैं दैट इज आउटपुट ऑफ दिस डेवलपमेंट। इट कुड बी इमोशनल, इट कुड बी लिंग्विस्टिक, इट कुड बी लैंग्वेज, कोई सा भी डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा एग्जाम्पल बीज, खेत, जमीन और पौधा, पौधे को लगने वाले फ्रूट्स। अंडरस्टूड? एंड डिपेंड अपॉन द एज फैक्टर, ये बोलिया, मेच्योरिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक्स बट नॉट विद ट्रेनिंग एंड एनवायरनमेंट। ये 8th पॉइंट अच्छा गौर करके देखो, 8th पॉइंट आप लोग कितना भी बोलो म्यूट नहीं करते। ये मसरत बेगम जरा म्यूट कर लो, मसरत बेगम क्या था, देखो मेरे कम से कम 30 सेकंड खराब हो गए इसके पीछे। आप डिसिप्लिन मेंटेन करना थोड़ा सा क्लास में, ठीक है ना। जेनेटिक्स के साथ इन्फ्लुएंस होता मेच्योरिटी, ठीक है ना। ट्रेनिंग और एनवायरनमेंट के साथ जेनेटिक्स मेच्योरिटी वो होता, इन्फ्लुएंस होता, असर होता। तदरीस और माहौल के जरिए जेनेटिक्स में मेच्योरिटी में कोई तब्दीली आ रही नहीं आ रही। ट्रेनिंग के जरिए तब्दीली आती, कौन सी चीज में आती, कौन क्या बोलते उसको हम, तरबियत के जरिए अगर कोई तब्दीली आ रही कोई फर्द के रवैये में तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? लर्निंग। भूलना नहीं आप लोग। देखो यही पॉइंट, देखो यही पॉइंट, मेच्योरिटी इन्फ्लुएंस बाय जेनेटिक्स बट नॉट विद ट्रेनिंग, बट नॉट विद एक्सपीरियंस, बट नॉट विद टीचिंग। मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ तो क्या आपके आपकी पौष्टिकी में तब्दीली आती? क्या नहीं आती तब्दीली? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट कनेक्शन ऊपर से, अल्लाह में नेचुरल प्रोसेस है, ब्यूली डिपेंड अपॉन जेनेटिक्स। समझ रहे? ये बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट, इसलिए बहुत टाइम लगा रहा हूँ। बोलो बोलो निखत परवीन। ट्रेनिंग के जरिए, टीचिंग के जरिए, एक्सपीरियंस के जरिए जो तब्दीली आती है एक फर्द के रवैये में वो क्या है, बोलते हैं इक्तसाब है। जेनेटिक्स के जरिए जो तब्दीली आती एज के लिहाज से नेचुरली कुदरत के तरफ से जो तब्दीली आती उसको मेच्योरिटी बोल रहा है। मेच्योरिटी का भी दायरा बड़ा है, डेवलपमेंट का भी दायरा बड़ा है, पुख्तगी का दायरा बहुत बड़ा है, बालिदगी का दायरा छोटा है। बालिदगी किसका हिस्सा है? डेवलपमेंट का हिस्सा। और यही पॉइंट में नीचे इमीडिएटली मैं रेड कलर में लिख दिया आप लोगों के लिए, कलर चेंज कर दिया यही पॉइंट में। लर्निंग के लिए बहुत जरूरी है, बगैर पुख्तगी के आप इक्तिसाब में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। इक्तिसाब जनरल, इक्तिसाब का मतलब क्या बोलते हो, तरबियत के जरिए और तदरीस के जरिए, तजुर्बे के जरिए एक 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 फर्द के बर्ताव में मुस्तकिल तब्दीली आती, जैसा कि लिखना, पढ़ना, तैरना सीखना, साइकिल चलाना, कोई नई डिश बनाना, तो इस तरह के जो भी तब्दीलियां आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लर्निंग बोलते हैं। मगर लर्निंग के लिए बायोलॉजिकली क्या होना, बायोलॉजिकली हयातियाती तौर पे लर्निंग के लिए क्या होना है, कलम पकड़ने की सलाहियत, तख्ती पकड़ने की सलाहियत, बेंच पे बैठने की सलाहियत, चलने की सलाहियत, ये सारी चीजें क्या है, मेच्योरिटी है। अंडरस्टैंड? ब्लैक कलर बोल्ड कलर के लिखा, बोल्ड कलर आपके लिए क्या लिखा हुआ है, बट मेच्योरिटी डज नॉट रिक्वायर। बच्चे के नशोनुमा के लिए, पुख्तगी के लिए इक्तिसाब की जरूरत है नहीं है, नहीं के लिए नहीं जरूरी है। एग्जाम्पल भी देख लो, स्कूल एडमिशन एट द एज ऑफ 6th क्लास, आप स्कूल एडमिशन एक साल में क्यों नहीं दिला सकते बच्चों को? स्कूल एडमिशन बोल रहा हूँ मैं, एकेडमिक लिखना पढ़ना जहाँ पा रहा था, सिक्स क्लास में कंप्लीट मेच्योर हो गया रहता, बैठ सकता, ठहर सकता, एक पेन पकड़ सकता, कलम तख्ती पकड़ सकता,
कार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एक एज मुकर्रर करी गवर्नमेंट, मालूम आपको 18 या 21 जो भी साल है, कार ड्राइविंग बच्चे को नहीं दे रहे? 10th क्लास के बच्चे को कार ड्राइविंग का लाइसेंस क्यों नहीं देते? बोला 9th क्लास के बच्चे को क्यों नहीं देते? अरे सर, 9th क्लास का बच्चा मेच्योर है, पेन पकड़ने आ रहा, उसको बुक पकड़ने आ रहा, आप ही बोले ना उन्हें पुख्तगी है, मेच्योरिटी पूरी आ गई 9th क्लास के बच्चे को, फिर उसको लाइसेंस क्यों नहीं दे रहे? बोले तो ड्राइविंग करने की पुख्तगी, गाड़ी चलाने की पुख्तगी, रोड के रूल्स फॉलो करने की पुख्तगी वो बच्चे में है, उसके लिए कम से कम 18 साल की उम्र उसको मेजोरिटी, कम से कम 18 साल की। तो इस तरह से हम आज क्या सीखे बोलते, अल्लाह के फजल से मेच्योरिटी क्या है, मेच्योरिटी वर्सेस लर्निंग क्या है सिखाने जा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। मेच्योरिटी वर्सेस लर्निंग सिखाने से पहले यहाँ इम्पोर्टेंट एक टॉपिक छुट गई, ग्रोथ और वर्सेस डिफरेंट। ग्रोथ क्या है? फिजिकल सेंस है, ठीक है ना, यानी तबाही है, ग्रोथ जो है तबाही है, तबाही बोलो तो तबाही बोलेंगे साहब, तबाह हो गए क्या बोल रहे हैं उर्दू वाले? ग्रोथ का मतलब जिस्मानी तब्दील, तबाही यानी तो बे आयन ये सही बोलो मैं, तबाही तबाह जी सर, फिजिकल सेंस है इसका। और डेवलपमेंट का सेंस क्या है बोलते, ओवरऑल चेंजेस इन अ पर्सन। ये फर्स्ट पॉइंट जो भी समझे, ये फर्स्ट पॉइंट जो भी समझे, बाकी के 7 पॉइंट समझते, बाकी के 7 पॉइंट समझना है तो फर्स्ट पॉइंट समझना है। और कल एग्जाम में आपको एज पॉइंट आ रहे हैं, कल एग्जाम में एज पॉइंट आ रहा है आपको, क्या बोलता, विच इज द अनकरेक्ट, विच इज द रॉन्ग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन बिलो सेंटेंसेस, बल्कि फर्स्ट सेंटेंस देता। ग्रोथ रेफर्स टू ओवरऑल चेंजेस, डेवलपमेंट रिफर्स टू फिजिकल चेंजेस। दो भी रॉन्ग है, दो भी रॉन्ग है, दो भी रॉन्ग है, ग्रोथ भी आ गया, डेवलपमेंट में सोशल और आपका फिजिकल, आपका मेंटल, इंटेलिजेंस, सेक्सुअल, सेकंड पॉइंट, ग्रोथ जनरली रेफर्स टू एन इंक्रीज इन साइज एंड हाइट वेट, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हाथ पैदा हो उंगली होते बच्चे के, जैसे जैसे बड़ा होता था बच्चे के हाथ बड़े होते, पैर बड़े होते, सिर बड़ा होता। जब बच्चा पैदा होता उसके जिस्म में आया था एक बार क्वेश्चन, सीटेट में पूछा था पेपर वन में, जब बच्चा पैदा होता पहला दिन रहता उसका, उसके जिस्म में सबसे बड़ा आर्गन, सबसे बड़ी चीज क्या रहती, बल्कि पूछा था, ऑलमोस्ट 33% कवर करता वो एरिया, हेड, याद रख लो बीएससी के स्टूडेंट्स, हेड सबसे बड़ा सिर रहता उसका, क्या रहता सर, क्या रहता अभी सोने में है या नहीं, सही नहीं सुन रहे, आवाज आपके पास सही नहीं पहुंच रही, सर की बात, म्यूट कीजिए सर सबको, सर प्लीज म्यूट कीजिए, डिस्टरबेंस हो रहा, सताते भाई आप लोग, आप लोग म्यूट कर ले सकते ना मैडम, मैं कितना बोल के मैं कॉन्सेंट्रेट करूँ इस चीज पे, ठीक है ना। तो सेकंड पॉइंट क्या है बोलते, यहाँ पर साइज हाइट और वेट लेंथ में जो इंक्रीज होता, यहाँ तक कि इंटरनल ऑर्गन्स में भी इंक्रीमेंट होता, अंदर बच्चे का जो दिल पैदा खुद इतना रहता, बड़ा खुद भी क्या होता उसका साइज बढ़ते रहता। सो ये दिल का बढ़ना, जिगर का बढ़ना, गुर्दों का बढ़ना, कलेजों का बढ़ना, अंतड़ियों का बढ़ना, ये साइज इंक्रीज का मतलब क्या है? ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, साइज बढ़ना। सेकंड पॉइंट, डेवलपमेंट रेफर्स टू चेंजेस इन मेंटल, मोरल, लैंग्वेज एटसेट्रा एस्पेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल उसकी थिंकिंग डेवलपमेंट में, थिंकिंग आ रही उसकी, उसके उसके क्या बोलते थे, पर्सनालिटी में चेंज आ रहा, उसको हम क्या बोल रहे हैं, डेवलपमेंट। सेकंड पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट, ग्रोथ रेफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस। जब ग्रोथ क्वांटिटेटिव है, मिसाल के तौर पे हाइट वेट है, इसलिए जब ये क्वांटिटेटिव रहने से ही हम क्या कर सकते हैं, इसकी हम क्या कर सकते हैं, टेप लेके इसकी ग्रोथ की, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव है। ग्रोथ का भी हम मेजर, डेवलपमेंट का भी हम मेजर कर सकते हैं, मगर ये क्वांटिटेटिव है डेवलपमेंट नहीं है, ये क्वालिटी, क्वालिटी। एग्जांपल क्या है? फीलिंग्स, फीलिंग्स, थिंकिंग। अब देखो यहाँ पर जवेरिया नाम है या कोई रेडमी है या फ्रेंड्स है यहाँ पर, ये अलीशा फोन लेके जाओ, ये लोग कुछ सोच रहे, क्या मैं क्या सोच रहे, मैं कुछ इनका पैमाइश कर सकता हूँ, कुछ अंदाजा लगा सकता हूँ मैं इनका, मुश्किल है कुछ हद तक है, साइकोलॉजिकल टूल्स, साइकोलॉजिकल टूल से हम थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं, उसके लिए टेस्ट लेना पड़ता है। तो डेवलपमेंट रेफर्स टू क्वालिटेटिव चेंजेस, यू कैन नॉट ऑब्जर्व डेवलपमेंट्स डायरेक्टली, फॉर एग्जांपल फीलिंग्स एंड थिंकिंग ऑफ अ पर्सन।
परसेप्शन सेंसेशन, ये सारी चीजों को हम देख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, ग्रोथ कैन बी मेजर्ड परफेक्टली इन किलोग्राम्स एंड इन मीटर्स। डेवलपमेंट को परफेक्टली हम मेजर कर सकते हैं नहीं कर सकते, अब इंटेलिजेंस है बच्चे, नहीं कर सकते एग्जैक्टली उच्चार है, बच्चा मधुर नहीं बोल सकते, बच्चा मधुर नहीं बोल सकते, हो सकता है मैथ्स में मधुर हो तो बाकी सब्जेक्टों में अच्छा होगा, कंप्लीटली मधुर बोल के नहीं बोल सकते, बिहेवियर को मेजर नहीं कर सकते, ठीक है ना, इमीडिएटली आप म्यूट भी कर लेना, ठीक है ना। देन फिफ्थ पॉइंट, ग्रोथ कैन नॉट बी कंटिन्यू, ये बहुत खतरनाक पॉइंट है, ये कल एग्जाम में आने वाला पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, ग्रोथ कैनॉट बी, मतलब ग्रोथ क्या है बोले तो एक जगह आके रुक जाता, कहाँ आके रुक जाता, बच्चे की हाइट कहाँ तक आके रुक जाती, 18 साल 19 साल तक आके हाइट क्या होती, स्टॉप हो जाती, यहाँ पर क्या होती बोलते, ग्रोथ क्या होती बोलते, 18 साल तक आके रुक जाती, डेवलपमेंट कहीं स्टॉप होता जिंदगी में किसी का, नशोनुमा कहीं हद है, वालिद की हद है 18 साल, यानी उसकी हाइट में उसके वजन शायद चेंज हो सकता, हम वेट लॉस कर सकते हैं, वेट गेन कर सकते हैं, मगर हाइट की बात कर रहा हूँ, हाइट 18 साल तक ही छोटी, जबकि डेवलपमेंट क्या है बोलते, वूम टू टूम टिल डेथ, यानी माँ के रहम से लेके खबर तक, समझ रहे, आखिरी सांस तक, पहली सांस से लेके आखिरी सांस तक, यहाँ तक के जायगोट इतना रहता, जायगोट थोड़ा एम्ब्रियो बड़ा रहता, उसके बाद फिर फीटस थोड़ा बड़ा हो जाता, बेबी बड़ा हो जाता, उसके बाद बच्चा बड़ा 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 होते रहता, वो क्या है बोलता आपका ग्रोथ है। बट डेवलपमेंट जो बात है ना, डेवलपमेंट क्या है बोले तो वूम टू टूम, यानी जिंदगी भर चलते रहता, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आप परसों क्वेश्चन आया था मेरे पास, प्रीवियस क्वेश्चन में देख रहा था, कोई क्रॉप करके भेजे मेरे को सर इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या था बताऊं मैं आपको, प्रीवियस टेट का क्वेश्चन पेपर है, टेट का क्वेश्चन, एक एक आदमी 50 साल की उम्र में जापान को क्या कहते, कहां गया जापान को क्या कहते, जापान जाके जापानीज लैंग्वेज सीख लिया करते, जापानीज लैंग्वेज सीख लिया करते, तो ये जापानीज लैंग्वेज सीखना, जापानीज लैंग्वेज सीखना क्या है बल्कि पूछ रहा, ऑप्शन नंबर 1 मैच्योरिटी, ऑप्शन नंबर 2 ग्रोथ, ऑप्शन नंबर 3 डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर 4 कुछ भी नहीं, मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि मैं जमील सर डेवलपमेंट डेवलपमेंट सर, ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, अब इसको मैं अंडरस्टैंडिंग लेवल पे चेंज करके पूछूं यही क्वेश्चन को, डेवलपमेंट का कौन सा प्रिंसिपल है बल्कि पूछता, डेवलपमेंट का प्रिंसिपल क्या बोलता, डेवलपमेंट इम्प्लाइज ओवरऑल चेंजेस, या डेवलपमेंट रेफर्स टू क्वालिटी चेंजेस, डेवलपमेंट कैन बी मेजर्ड, एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है बोलता, मैच्योरिटी, डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, आप 60 साल की उम्र जर्मन को जाके जर्मन ही सीख लिया तो आप जिंदगी में लैंग्वेज सीखते रहते, आपको जबान सीखने के लिए कोई रुकावट है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल क्वेश्चन, अब इसको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछो, ये क्वेश्चन को घुमा के, नकल मानने के लिए अकल होना, कम से कम मेरी स्लाइड देखे तो बोल सकते, ग्रोथ नैरो कांसेप्ट है, डेवलपमेंट क्या है वाइडर कांसेप्ट है, यानी दायरा किसका बड़ा है, नशोनुमा का दायरा बड़ा है और बालिग का दायरा छोटा है, छोटा है, ये खाली इसके फिजिकल चेंजेस ही है ग्रोथ में, जबकि डेवलपमेंट में क्या है, ओवरऑल बहुत सारे चेंजेस है, लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, एइथ पॉइंट, ग्रोथ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंट एंड ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, ग्रोथ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंट, बालिग जी पर असरअंदाज होने वाले दो अवामिल है, एक है माहौल, दूसरा तरबियत, बल्कि यहाँ पर एक पॉइंट है, जबकि जबकि डेवलपमेंट देखिए आप, डेवलपमेंट आल्सो इज इन्फ्लुएंस्ड एज ग्रोथ, डेवलपमेंट भी क्या है कुछ हद तक ग्रोथ की तरह ही मुतासिर होता, किस किस के जरिए, एनवायरमेंट और ट्रेनिंग के जरिए, तो यहाँ पर घुमा फिरा यही पॉइंट क्या हो गया बोले तो, यही पॉइंट डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए दोनों के लिए क्या हो गया, सेम हो गया, अंडरस्टूड, डिफरेंस नहीं है दोनों में, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप कल भी है,
आल्सो मतलब उसकी उसी की तरह ग्रोथ की तरह डेवलपमेंट पे असरअंदाज होने वाले अहम दो अवामिल क्या बोलते एनवायरमेंट एंड ट्रेनिंग। इमीडिएटली नीचे एक मैं एक इक्वेशन दिया वो इक्वेशन अच्छा ठीक है अलीशा अल्लाह हाफिज अच्छा लिखो एग्जाम अलीशा अलीशा राइट डेवलपमेंट इज इक्वल टू मैच्योरिटी इनटू लर्निंग यानी डेवलपमेंट में दो चीज कंपोनेंट्स है एक मैच्योरिटी फिजिकल चेंजेस साथ ही साथ लर्निंग है लर्निंग है बोल तो लर्निंग के अंदर फिर और एक दो तीन कंपोनेंट है ट्रेनिंग भी है नहीं एक्सपीरियंस भी है और टीचिंग भी है यानी उसका ओवरऑल चेंज परमानेंट रिलेटिवली चेंज के साथ साथ बायोलॉजिकल प्रोसेस ये दोनों को मिला ले तो डेवलपमेंट हो रहा है ना बायोलॉजिकल भी है और बोलते हैं नेचुरल भी है ये दो चीजों को मिला तो डेवलपमेंट हो रहा। एक नाइन्थ पॉइंट में यहाँ लिखना भूल गया आप लोग लिख ले सकते ठीक है ना क्या लिख ले सकते बोल तो ग्रोथ इज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ग्रोथ क्या है किसका हिस्सा है डेवलपमेंट का हिस्सा है ठीक है ना सेवन पॉइंट है growth is a part of development and development is a comprehensive concept it includes growth also seventh point hai very good seventh point aap log ye bhi rakh yaad rakh lo theek hai na to alhamdulillah main samajhta hu growth aur development sikh liye kitne 8 points sikh liye next maturity versus learning batata hu main theek hai na maturity versus learning maturity ka matlab kya bole hum maturity ka matlab kya bole hum depend upon the natural changes yani khuda dad jo tabdili hoti fitrat ki buniyad pe umar ke lihaz se aane wali tabdili ko maturity bola jabki ikhtisab ko kya bol rahe hain mustaqil tabdili ek tajrube ki buniyad hai wo ek fard ke ravaiye mein paye jane wali mustaqil tabdili misal ke taur pe reading misal ke taur pe writing swimming tairna seekhna cycle chalana ye sari cheeze kya learning hai maturity nahi hai mar learning ke liye kya zaruri hai seekhne कार की स्टीयरिंग को पकड़ने के लिए क्या हाथों में ऐसा पकड़ना ऐसा थोड़े बच्चों को आप पेन दो हाथ में आप ऐसा पेन दे दो तो क्या होता वो पेन नहीं पकड़ सकता बच्चा ऐसे ही चला जाता गिर जाता इसको फोल्ड करने नहीं आता उसको फोल्ड करने नहीं आ रहा मतलब उसके पास क्या नहीं हो बच्चे के पास मैच्योरेशन डिपेंड्स ऑन नेचुरल प्रोसेस मैच्योरिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है नेचुरल प्रोसेस फर्स्ट पॉइंट नेचुरल प्रोसेस ठीक है ना दैट इज इननेट टेंडेंसीज इननेट टेंडेंसीज का मतलब क्या होता है इट इज बायोलॉजिकल अंदर से आता हो आप सिखाने से नहीं आता सिखाने से कोई तब्दीली आ रही तो क्या बोल रहे हैं इसको हम जल्दी बोलो सिखाने से कोई तब्दीली आ रही रवैये में किसी की मुस्तकिल तब्दीली आ रही तो लर्निंग है नहीं सिखाई भी तो एक तब्दीली आती नहीं सिखाई भी तो क्या आती है तब्दीली आती खुदा खुदा की तरफ से वक्त के एतबार से तब्दीली आती वो तब्दीली को क्या बोल रहे हैं समझ गया ना मसरत नसरुद्दीन सोफिया शाइन समझ गया ना मैच्योरिटी के लिए किसी की मदद की जरूरत है क्या मैच्योरिटी के लिए किसी की मदद की जरूरत खुदा देता बाद लोग कितने की साल हो जाते 10 साल तक भी उन लोगों को बात करने की होश नहीं रहती तो उनका मैच्योरिटी लेवल डेवलप नहीं होता इम्बिसाइल बोलते हैं एमआर बोलते मेंटली रिटार्डेड बोलते मुंह में से चोल जाते हैं जिसम अच्छा रहता जवान हो जाते अच्छे रहते खूबसूरती देते मगर जहन एब्सेंट ठीक है ना तो मेच्योरिटी नहीं आई थी उन लोगों बाद लोगों को क्या होता हमारे पास रिश्तेदारों में एक बच्ची है वो 20 साल की हो गई ना मगर उसके अखलाक जो है ना 10 साल के तो इसकी शादी कब करना सब बोलते 40 साल की उम्र में करो बोले कई को बोलते 20 साल की उम्र की होती है तो इस तरह से वो इट इज प्योरली डिपेंड अपॉन मेच्योरिटी ठीक है ना नेक्स्ट मेच्योरिटी टेक्स प्लेस हाँ ये सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है मेच्योरिटी टेक्स प्लेस अनकॉन्शियसली खतरनाक पॉइंट है ये कल आपको एग्जाम में आने वाला है बट लर्निंग टेक्स प्लेस कॉन्शियसली कौन सी हालत में है हालत बता रहा है पर ये इक्तिसाब जो है शौरी हालत में होता या लाशौरी में होती इक्तिसाब आप जानबूझ के ये जापानीज लैंग्वेज जो सीख रहे हैं अभी जो मेरा सीडीपी सब्जेक्ट जो सीख रहे हैं आप होश में रहकर सीख रहे हैं या ना तो हेडफोन लगा लेकर आंखें मन कर लेकर बेहोशी की हालत में सीख रहे हैं लर्निंग टेक्स प्लेस कॉन्शियसली एंड मैच्योरिटी टेक्स प्लेस अनकॉन्शियसली बच्चे को होश ही नहीं रहता कब आंदा हो रहा बच्चे को मालूम मैं आंदा होने वाला हूँ तीसरे महीने में नहीं मालूम अनकॉन्शियस प्रोसेस है हाँ मैच्योरिटी इज अनकॉन्शियस प्रोसेस वक्तगी जो है वो लाशौरी में क्या बोलते सो रोनमा होती और इक्तिसाब जो है वो शौरी की हालत में साइकिल चलाना सीख रहे हैं हम नींद में सीखते हैं बाहोश रह के सीखते हैं होश में रह के तो ये लाशौरी
और मतलब शौरी और तहते शौरी, ये सिगमंड फ्रॉयड का कॉन्सेप्ट होता है, समझाता हूँ। शौर किसको बोलते हैं, लाशौर किसको बोलते हैं, तहते शौरी किसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया। थर्ड पॉइंट देखिए, मैच्यूरेशन इज चेंजेस इन द ऑर्गेनिज्म दैट अकर्स बिकॉज ऑफ नेचुरल इनहेरिटेड टेंडेंसीज। खतरनाक पॉइंट है, इनहेरिटेड टेंडेंसीज बोलते हैं। आप जो बाप दादा अम्मा बाबा से जो लेके आए ना गिफ्ट आते वक्त दुनिया में, वो चेंजेस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपके चेंजेस। इसीलिए माँ बाप सेहतमंद रहना बोलते हैं, माँ बाप सेहतमंद रहे तो अपने बच्चे भी सेहतमंद रहते, अपने बच्चे सेहतमंद रहे तो अपने पोतरे सेहतमंद रहते। इसीलिए हम दौड़ने को कहते तो आपके अम्मी अब्बा को ब्लड प्रेशर शुगर था क्या, आपके दादा को ब्लड प्रेशर शुगर था क्या, पूछते कहीं को पूछते जी। इसका ताल्लुक मैच्योरिटी से है, लर्निंग से है इसका ताल्लुक। मैच्योरिटी क्या है, पूरी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसका ताल्लुक है हेरिडिटी से और इसका ताल्लुक है आपके पुरखों से, ठीक है ना। तो ए चाइल्ड सिट एट द एज ऑफ सिक्स मंथ स्टैंड्स सपोर्ट नाइन मंथ्स, दिस हैपेंस विदाउट मच ट्रेनिंग। ये बच्चे को चलने के लिए ट्रेनिंग देना पड़ता क्या, उन्हें खुद ठहर के जब हलू हलू चलते रहता हाथ पकड़ते उम्र के साथ चलता। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल इनहेरिटेड टेंडेंसीज है। कार सिखाए सर का, बाजूक बैठ के सिखाना, बाइक सिखाए सर का, हम सिखाने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर सिखाए सर का, सिखाने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद सीख लेता। इसलिए इसको नेचुरल इनहेरिटेड टेंडेंसीज बोलते हैं। जबकि एक्तेसाब के माने क्या है, फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, जबरदस्त पॉइंट है, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आ रहा चाह, आपको लिख के रख लो आप लोग, और एग्जाम होने का पूछो मेरे को क्वेश्चन क्यों नहीं आया। बल्कि लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन पर्सन बिहेवियर दैट अकर्स ड्यू टू सम एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग और टीचिंग। एग्जाम्पल यहाँ बिहेवियर से पहले क्या लिखो बोलते, पर्सन बल्कि लिखो, इन पर्सन बिहेवियर बल्कि लिखो, पर्सन बिहेवियर बल्कि लिख लो, ठीक है ना। कभी कभी हम भी भूल जाते हैं, नो प्रॉब्लम, अरे पर्सन्स, ठीक है ना। सो एग्जाम्पल क्या है जी, लर्निंग का एग्जाम्पल क्या क्या है पर दे दिया, देखो रीडिंग राइटिंग स्विमिंग ड्राइविंग एटसेट्रा। ये रीडिंग राइटिंग स्विमिंग के लिए आपको किसी की मदद की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है या नहीं है, किसी की मदद की जरूरत है, मतलब वो लर्निंग है। इन्हें मुर्गा कितना लेट उठा जी इनका, अब उठ के आप पुकार रहा मुर्गा एक उनकी। एनीवे रमजान रोजा नहीं रहा, मुर्गा सैरी में उठा उसको, अब उठ रहा देखो ना, देखो क्या उठा, मेरी क्लास को मेरे को आवाज आ रहा, उससे पहले उठा बड़ा मुर्गा हूँ मैं, बड़ी ज्यादा वो सिटी का मुर्गा है, खतरनाक पॉइंट है। सेम पॉइंट एक जगह बोला था, कोई बता सकते, जल्दी बोलो मेरे को, स्टॉप एट अकल पूरी दुनिया के बारे में समझ में आता। अब 20 साल 25 साल के बाद भी मैच्योरिटी की जरूरत रहती क्या आपको, अच्छा क्या है बुरा क्या, कौन अच्छा कौन बुरा, गर्म क्या नरम क्या ठंडा क्या, कोसी चीज से क्या नुकसान होता है कोसी चीज से फायदा होता, पूरी मेच्योरिटी एक 18 साल तक तो आ जाती ना, इसलिए तो शादी की उम्र 18 साल रखे ना अपन। अब 21 भी कर दिए उसको, 21 बोल के क्या ना, क्या शादियां क्या शादी, एक एक दिन में तीन तीन शादियां हो गए, 21 साल उम्र करने वाले हैं बल्कि। मैं आपको एक सोशल का क्वेश्चन पूछू, सोशल का आपको कल डेट में चाहता, शादी की उम्र 18 साल से पहले कितने साल थी, पहले शादी के वोट की वोट डालने की उम्र, वोट डालने की सॉरी वोट डालने की उम्र 21 साल थी, मालूम 21 को 18 इयर्स को से प्राइम मिनिस्टर करे, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है, कौन सा अमेंडमेंट के जरिए, कौन से तरमीम के जरिए, दस्तूर के कौन से तरमीम के जरिए 21 को 18 करे, कौन सा एक्ट है, अमेंडमेंट 61 कौन से साल में करे, कौन से साल में करे, राजीव गांधी। तो इस तरह से सारे चीजें आपको 10th की सोशल में है, इलेक्शन इन प्रोसेस में, ये पूरे पॉइंट से देख लो आप लोग, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे पास एक 18 साल 21 साल बहुत मायने रखते हैं, हमारे पास 21 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो मैच्योरिटी में स्टॉप एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ, बट लर्निंग इज नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग प्रोसेस।
जापान में जाके 50 साल की उम्र में जापानी सीख रहा, 60 साल की उम्र में स्पेनिश सीख रहा, जर्मन सीख रहा, अरबी सीख रहा. लर्निंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस. लाइक आगे क्या बोलो? लाइक डेवलपमेंट. वेरी गुड. डेवलपमेंट सुपर. लर्निंग नेवर एंडिंग प्रोसेस सच एज डेवलपमेंट. डेवलपमेंट इज ऑल्सो ऑलवेज गोइंग ऑन प्रोसेस लाइक लर्निंग. एग्जाम्पल लर्निंग ए लैंग्वेज. डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस. तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से जबरदस्त आज की हमारी क्लास रही. आपके लिए अगर आप बोले तो थोड़े क्वेश्चन सामने रखूं. टेट के पुराने क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे. मैं हूँ अमिताभ बच्चन. कौन बनेगा करोड़पति? आप जवाब दीजिए. सवाल है आपके लिए एक करोड़ का सवाल आपके सामने है. दीजिए जवाब. मैं सुन रहा हूँ. मैं खामोश रहता हूँ. तो बोल बोल के थक गया मैं. बोलो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. टू सर. अच्छा पढ़ो पहले. क्वेश्चन तो पढ़ो कम से कम. पहले आप जवाब देने से पहले मेरी सुनो, मेरी प्रैक्टिस करो. मैं आपका कोच हूँ, गाइड हूँ. मैं यहाँ पर आपको आपका एग्जाम नहीं ले रहा हूँ, टैलेंट टेस्ट नहीं कर रहा हूँ. मैं क्या कर रहा हूँ? आपको प्रैक्टिस दे रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ. समझा? आपको गाइड कर रहा हूँ. चक्रीय इंडिया फिल्म देखे? इंडिया मैं देखे तो ट्रेलर देख लो, ठीक है ना? चक्रीय इंडिया कोच रहता हूँ, गाइड करता हूँ आपको. गाइड करता कौन सी चीज? बैट कैसा पकड़ना, बॉल कैसा हिट करना, गोल कैसा करना, ठीक है ना? तो वर्ल्ड कप कैसा लेके आना? वर्ल्ड कप आपके लिए क्या है? टेट क्वालिफाई करना वर्ल्ड कप है आपके लिए. टीचर बनने के लिए टेट का एग्जाम क्या कहलाता? ये सेमीफाइनल कहलाता. और आपका डीएससी गुरुकुल क्या है? फाइनल एग्जाम है. माय डियर स्टूडेंट्स, बी रेडी फॉर सेमीफाइनल. डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इन सेमीफाइनल विद माय गाइडेंस इंशाल्लाह. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ. आंसर देना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप जमील सर के स्टूडेंट है. डेफिनेटली आप रॉन्ग आंसर ना देते, राइट? मगर यहाँ पर इंपॉर्टेंट सीखने की चीज क्या है बोल दो. कभी भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन को पहले आप क्या करना, अच्छा समझो, पढ़ो उसको. क्वेश्चन में क्या पूछ रहा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा. और कोई क्या कर दिए? बी कोई टू बोल रहे हैं, कोई फोर बोल रहे हैं, कोई वन बोल रहे हैं. पूरे करेक्ट है वो. वहां करेक्ट कौन सा है नहीं पूछ रहा उन्हें. उन्हें आपको गलत क्या पहचानो बोल रहा. गलत कब पहचानते आप शाहिन? गलत कब पहचानते बोलो? यास्मीन जब आपको सही क्या मालूम है? जब करेक्ट है जो सही है वो. मैं आपको सही सिखाया गलत सिखाया? 6 दिन से 7 दिन सही सिखाया. तो जब आप सही सीखे तो गलत को पहचानने की तमीज आपके पास है ही नहीं है, बताइए मेरे को. हाँ है सर. सिंपल लॉजिक. अब बोलो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बोलो. गलत क्या है पूछ रहा? पूरे सही है. पूरे गलत है. ग्रोथ को हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ये कौन सा चेंज है? क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है? ये मेघदारी है या मायारी है? मेघदारी है. मेघदार बोलते हैं किलोग्राम, किलोग्राम और इसका इंच में पैमाइश कर सकते हैं इसकी. सेकंड क्वेश्चन पे जाइए. विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? अगेन इनकरेक्ट है. अच्छा देख के आंसर दो. थर्ड वन कौन है ये? पुख्तगी होना, लर्निंग के लिए मैच्योरिटी होना. मैंने गलत क्या लिखा? मैं मैच्योरिटी के लिए लर्निंग जरूरी है. क्वेश्चन नंबर टू में फर्स्ट ऑप्शन, राइट? सब लोग सहमत हैं? थर्ड. एक मिनट थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या दे रहे हैं? फोर्थ बोल के दे रहे हैं. वन टू सर.
डेवलपमेंट है, टू है सर डेवलपमेंट, थ्री ने हम थर्ड वन है सर, पैदा होने के बाद नहीं जी, लर्निंग लर्निंग ऑन डेवलपमेंट है सर, दो है सर। ओके ये कंटीन्यूअस प्रोसेस है, माने में क्या है, डेवलपमेंट लर्निंग क्या है, मतलब कंटीन्यूअस प्रोसेस, ग्रोथ एक जगह आगे रुक जाता, ग्रोथ स्टॉप्स एट अ सर्टेन स्टेज, यहां देखो ग्रोथ स्टॉप्स एट अ सर्टेन स्टेज, यहां पर लिखा देखो फिफ्थ पॉइंट, ग्रोथ कैन नॉट बी कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ, इट स्टॉप्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, लर्निंग फॉर एग्जांपल लर्निंग, डेवलपमेंट इज करेक्ट, हां लर्निंग ठीक है ना, तो इस तरह से ये ओके। फोर्थ क्वेश्चन हो गया, फोर्थ क्वेश्चन बोलिए, फीलिंग इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ लर्निंग, थ्री लर्निंग क्रीपिंग इज द फॉलोइंग नॉट अ रिजल्ट ऑफ क्रीपिंग, क्रीपिंग सर राइटिंग क्रीपिंग, हां क्रीपिंग सर, यस सर क्रीपिंग, ये मैं आवाज ज्यादा मैडम की सुन रहा हूँ, सारों की आवाज नहीं आ रही, सारा क्या कर रहे हैं, सारा कहीं चले गए क्या इंटरवल में, सारा की आवाज ज्यादा ना सर, ये मैडम की आवाज बहुत हो गई, सारा कुछ जवाब दो, क्रीपिंग सर है सारा भी, हाँ क्रीपिंग क्या है, तो मैं आप इससे पहले बोला क्रीपिंग बोले तो पूरा जिसम चिपक के चलता हूँ, मैच्योरिटी है, और ये रीडिंग राइटिंग अरिथमेटिक क्या थ्री आर प्रोग्राम्स है, रीडिंग राइटिंग ये थ्री आर प्रोग्राम्स है, इसके लिए एक टीचर की जरूरत होती, एक किसी की मदद की जरूरत होती। लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन पढ़िए, हमारी क्लास ऑटोमेटिक क्लोज होती, और फीडबैक मेरे को क्या करो आप यूट्यूब पे दीजिए, फॉलोइंग इज नॉट ए रिजल्ट ऑफ मैच्योरिटी बट रिजल्ट ऑफ लर्निंग, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ये कुदरती तौर से आपको आते हैं, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, ये रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन